हो साहब? साला गजेला लोग मेरे को कहता बनाया, जूता जूता न पति का पति के पास खिलाया, उतने नहीं छोड़ी, उतने नहीं छोड़ी। एक्सक्यूज मी, योर कीज। लड़की आएगी तेरी जिंदगी में जिसके दिल पर तिल होगा। So scandalous. जा, साहब को बुला। ओके, अब साहब तो मैं हूँ। टू जी का कोई शक? करीना, शाहिद, आई मीन डीके, आइए ना, प्लीज कम इन, प्लीज। इसका मतलब हमारी एक लेडी ऑफिसर जैसे ही उसे अपनी ओर आकर्षित करेगी, हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। भाई प्लान तो अच्छा है, लेकिन इस ऑपरेशन के लिए आपको 20 से 30 साल के बीच की ऑफिसर क्यों चाहिए? गुड क्वेश्चन मिस्टर कमिश्नर, बट यू वोंट अंडरस्टैंड। मुझे उसके अंदर कुछ संभावनाएं पैदा करनी पड़ेंगी जिनकी वजह से वो बलात्कार करने की कोशिश करे, और ये खास किस्म की भावनाएं तभी पैदा हो सकती हैं जब वो लड़की 20 या 30 साल के अंदर हो, और वो खूबसूरत होनी चाहिए, एब्सोल्युटली चार्मिंग एंड सेक्सी। लेकिन ऐसी भावनाएं तो किसी बड़ी उम्र की औरत को देख के भी पैदा हो सकती है डॉक्टर स्क्रूवाला। मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं उस हत्यारे की बात कर रहा हूँ। ओ सर, यस सर, जैसे कि आपने कहा, पुलिस डिपार्टमेंट से चुन चुन कर चार खूबसूरत लेडी ऑफिसर को मिलाया हूँ। गुड, सारी 20 से 30 साल के उम्र के बीच की है ना? लगती तो है। आइए सर, यह है इंस्पेक्टर फुले। फुले, हेलो। यह है कांस्टेबल मासूम कुमारी। हेलो। आइए, यह है इंस्पेक्टर रूपमती। कौन? रूपमती। हेलो। आइए, और यह है इंस्पेक्टर कमसिंह गुप्ता। ये सब पुलिस में? जी हाँ। आप सब जा सकती हैं। जाओ। और कोई नहीं है क्या? और है, आती होगी, लेकिन बहुत गर्म दिमाग की है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में उसे अब तक 56 के नाम से जाना जाता है। 57 नाम मरा था तेरा डीके, जिसको मैंने ठीक किया है। अब वो कुछ और उठाए ना उठाए, तेरा फोन जरूर उठाएगा। ये कौन है सर? ये है उर्मिला मारतोड़कर। उर्मिला मारतोड़कर चलेगी? थोड़ी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, बट चलेगी चलेगी। कमिश्नर साहब, अगर मैं पहनूंगी कपड़े कम और बोलूंगी वेलकम, तो वो रेपिस्ट तो क्या, कोई आम आदमी भी मेरे को नहीं छोड़ेगा। क्यों डॉक्टर स्क्रू वाला, नॉर्मल बात है ना? नॉर्मल? ये आदमी आपको नॉर्मल लगता है? लाइट्स ऑफ। देखिए, घड़ी पर नजर पड़ती अचानक उसे कुछ याद आता है,
और ये अपनी जान जोखिम में डालकर कहीं सही वक्त पर पहुंचना चाहता है, पर कहां? ये रहा उसका जवाब। ये जानता है कि एक लड़की यहाँ पर इसी वक्त रोज बैल्कनी में आती है। He has a timing for his perversion. देखिए देखिए, is this normal? मौला। आगे देखिए, इस लड़की को इस पोज में देखकर कोई भी आदमी एक्साइट हो सकता है, सिवाय कमिश्नर साहब के। राइट सर। इस आदमी का दिमाग अश्लीलता की सारी सीमाएं क्रॉस कर चुका है। जब हवस की आग बढ़ती है तो देखिए क्या करता है। वो इसकी ओर बढ़ता है, लेकिन लड़की की किस्मत अच्छी है, बच जाती है और वो हवस की आग बुझाने के लिए देखिए क्या करता है। देखिए, जब दिन दहाड़े ये सब कुछ कर सकता है तो रात के अंधेरे में क्या करता होगा। यही नहीं, इसका खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये बिल्ली के साथ खेल रहा है, लेकिन नहीं, इसका खेल कुछ अलग है। Is this normal, Miss Maar Todkar? कुत्री चाप! तेरी बंदूक तो आजकल रोज फायर कर रही है यार। उस दिन वो मर्सिडीज वाली, और आज ये। ज्यादा मजाक किसके साथ आया? इस वाले के साथ। डिटेल सुनेगा? ऑफ कोर्स यार। पता ना, वो बेडरूम में आई। वेलकम टू माय पैड। हाउस इट? मस्त मस्त है ना, मुझे पता था। बेडरूम में? वाओ। फिर उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके छूने से तो जैसे मेरी दुनिया ही गोल घूम गई। फिर क्या हुआ? टांगे? तो तुम लोग टांगे में गए? अबे ये टांगा नहीं, उसकी टांगे। इतनी खूबसूरत थी कि देखते मेरे से कसके पकड़ लिया। फिर वो अपने रेशमी बाल मेरे पास लाए, बड़े प्यार से मेरे चेहरे पर बिखराए, फिर मैं सच कह रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। इंस्पेक्टर और मेरा मास्टर तुमको चूना लगाता है, जाकर बैठा मारू। वाओ, आगे क्या हुआ? फिर वो मुझे बाथरूम में लेके गए और बाथटब में हम तीन। तीन? मैं, वो और प्लंबर। पानी? पानी, यस। पानी। फिर क्या हुआ? पानी में हम दोनों लेटे रहे और मानो मेरे बदन में से करंट दौड़ने लगा। फोन बज रहा है। फोन। हेलो। ठीक है किरणिया, प्लीज देखो फोन मत रखना। हाँ किरण जी, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, लेकिन सच ही है कि मैं डीके नहीं हूँ। क्या? तुम डीके नहीं हो? हाँ। तो डीके कहाँ है? डीके? अब वो कुत्ता कमीना आपको धोखा देके अमेरिका चला गया। डीके मुझे धोखा देके अमेरिका चला गया? हाँ। भूल गया वो जूह वाले बंगले की रातें? जूह का बंगला? मेरी मर्सिडीज की पिछली सीट पर किए हुए वादे। मर्सिडीज? सब भूल गया। किरण जी, अगर मैं डीके की जगह होता ना, तो मैं आपको कभी नहीं रुलाता, आपका साथ में कभी नहीं छोड़ता। सच? काश मेरे जैसा कोई आपकी जिंदगी में होता, काश। लेकिन क्या तुमने मुझे कभी देखा है? तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था। जब से तुम्हें देखा है किरण, मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, मेरे पैसों के पीछे नहीं हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पीछे हूँ किरण। हाउ रोमांटिक, हमेशा मेरे पीछे ही रहना और तुम हमेशा मेरे आगे ही रहना। हाउ स्वीट। आई लव यू किरण। आई लव यू टू जानू। जानू मेरी जान। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
अरे सुन, हेल्प कर यार। आज से हमने मजदूरी करना बंद कर दिया। मतलब लाइफ बन गई यार। तू कहता था ना कि ब्लाइंड में मत खेल, आज ब्लाइंड में जैकपॉट लग गया। गाड़ी, बंगला, फ्लैट, किरण सब एक साथ। कैसे? मैंने किरण को सेट कर लिया। बॉस की किरण? बॉस की थी, अब वो मेरी है। कल किसी और की होगी। ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। रात गई बात गई, याद है ना? तू निकल मजदूरी कर। अच्छा बाद में बोलना, बता समझाया नहीं? मैंने बोलना नहीं। देखो, पहले बिहार को मुंबई बनाना है और फिर मुंबई में नाला सुपारा और भाईंदर को मालाबार हिल बनाना है। मुश्किल है मगर ट्राई करो। माफ करना मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। सरिया डालू क्या? सरिया, रुको रुको, इसने तुम्हें पहचाना नहीं, मतलब इट्स वर्किंग। बस एक चीज बदलनी पड़ेगी, तुम्हारी भाषा।